जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष प्रभात कुमार दुबे उर्फ बड़ू दुबे ने बरडीहा प्रखंड कार्यालय पर एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम किया। वहीं पर प्रखंड के हजारों की संख्या में महिला एवं पुरुष शामिल हुए। इस दौरान लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना गया। प्रभात दुबे ने कहा कि आज पूरे प्रखंड की जनता यहां के अधिकारियों और कर्मचारियों की उदासीनता के कारण बेहाल है। कोई राशन के अभाव में, कोई पेंशन के अभाव में, तो कोई रहने के लिए आवास योजना के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाकर थक चुका है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के राह पर चारों तरफ बिचौलिए के द्वारा गरीबों की हक लूटी और लुटवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जिसे कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि प्रखंड के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली से सरकार की बदनामी हो रही है। वहीं इस पर प्रखंड विकास पदाधिकारी नंदराम धारण ने शामिल हुए। उसके बाद उन्होंने समस्याओं से अवगत कराने के लिए मांग पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा गया, जिसके बाद धरना को समापन किया गया। युवा नौजवान प्रखंड अध्यक्ष समीर अंसारी, नवयुवक अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता, जमशेद अंसारी, शौकत खान, महिम दुबे, लोक पंचायत अध्यक्ष संजय यादव, प्रखंड सचिव एसाद अंसारी, इनके साथ कई लोग मौजूद रहे। R9 भारत के लिए अरविंद कुमार दुबे। पलामू जिले के हुसैनाबाद में आज राष्ट्रीय एकता के शिल्पकार लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर हुसैनाबाद हैदरनगर रोड बक्सी उच्च विद्यालय के समीप स्थित सरदार पटेल चौक की प्रतिमा पर सभी ने बारी बारी से माल्यार्पण किया। संबोधन में राजद के पूर्व विधायक संजय कुमार सिंह यादव ने कहा कि सरदार पटेल जी को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने में काफी वक्त लगा था। उन्होंने 22 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की थी। परिवार में आर्थिक तंगी की वजह से उन्होंने जाने के बजाय किताबें ली और खुद जिला अधिकारी की परीक्षा की तैयारी करने लगे। और यही नहीं, इस परीक्षा में उन्होंने सर्वाधिक अंक भी प्राप्त किया। उनका जीवन हम सभी को मोड़ पर शिक्षा देता है। उनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए नगर अध्यक्ष शशि कुमार ने कहा कि सरदार पटेल जी 36 साल की उम्र में वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। उनके पास कॉलेज जाने का अनुभव नहीं था, फिर भी उन्होंने 36 महीने की वकालत का कोर्स को महज 30 महीने में ही पूरा कर लिया। सरदार जी की जिंदगी और उनके किए गए कार्य हमें पूरे देशवासियों को ज्ञान देते हैं। जीवन के हर मोड़ पर हम कैसे कार्य को सफल करें, इसके लिए वे सामाजिक संस्था मानस के अध्यक्ष व पत्रकार परमानंद चौधरी ने कहा कि सरदार जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ। उन्होंने अपनी अंतिम सांस 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में ली थी। सरदार जी किसान के जीवन में जन्मे थे और अपनी कूटनीति क्षमताओं के लिए वे अलग पहचान बनाई थी। इस मौके पर नगर उपाध्यक्ष गयासुद्दीन सिद्दीकी, राजद के सह प्रवक्ता जाकिर अली उर्फ राज अली, गौतम पटेल, वार्ड पार्षद नजीर अहमद, वार्ड पार्षद पति अजीत कुमार, वार्ड पार्षद अर्जुन गुप्ता, समाज सेवी सिप्तेन मिर्जा के अलावा कई लोग मौजूद रहे। R9 भारत के लिए आनंद कुमार दुबे की रिपोर्ट, हुसैनाबाद, झारखंड।